खवातीन के लिए गैर महफूज तरीन भारत में एक और लड़की गैंग रेप का शिकार हो गई। दरिंदा एसिड मुलजमान ने रेप के बाद लड़की की लाश को जला दिया। भारत में मुसलमान, हिंदू, निचली जात के लोग, हत्ता की खवातीन भी खतरनाक हद तक गैर महफूज हैं। भारत में खवातीन की असमत दरी मामूल बन गई। हालिया हौलनाक और इंसानियत सोज वाकये ने दिल दहला कर रख दिया। शुमाली भारतीय रियासत बिहार के इलाके बक्सर में एक लड़की को नामालूम मुलजमान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसके सर में गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। हैवान से मुलजमान ने सफाकियत का मुजाहरा करते हुए लाश को जलाने के बाद वीरान इलाके में दफन कर दिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक लड़की बिहार के इलाके बक्सर की रिहायशी और गुज़िश्ता रोज से लापता थी। लाश की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज किया जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय आवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इस मज़मूम वाक़े के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज है। मोदी सरकार अपने ही मुल्क के मसाइल हल करने और आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, जिसके बायस भारत का शुमार खवातीन के लिए गैर महफूज तरीन ममालिक में होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017 में 33,000 से ज्यादा खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। भारत को खवातीन सयाहों के लिए भी गैर महफूज मुल्क करार दे दिया गया है।